नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 नए केस आए सामने। डेली पॉजिटिव रेट 10.99% हुआ। देश में 2,59,000 मरीज हुए ठीक। एक ही दिन में 15,69,000 से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग। स्टेशनरी घोटाला रडार पर कई अधिकारी और कर्मचारी, स्टोर कीपर गिरफ्तार। एसएमआरई रिपोर्ट की कॉपी पेश करे सरकार, एचसी ने कहा आरटीओ में भ्रष्टाचार नहीं मिल रहे सबूत। तंग बिल्डिंग की रेकी एटीएस को सौंपी, जांच एजेंसियों को बड़ी विफलता। 30,000 से अधिक नर्सों के नियोजन की जिम्मेदारी, मेयो की मैट्रिन बनी राज्य की अधीक्षक। ससे के नाम पर मिलावटी तेल, केएमसी के खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज। शहर में मृतकों का आंकड़ा नहीं हो रहा कम, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आई कमी। किशोरी का अपहरण कर गुजरात में बेचा, पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिटी में पेड़ों की होगी गणना, मनपा खर्च करेगी निधि। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।